नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 मिलीसिमल पोटेंसी। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने क्यों उनका जो उद्भव किया उसको क्यों निकाला, जब ऑलरेडी डेसिमल सेंटीसिमल पोटेंसी जो कि 30, 200, 1M, 10M ऐसे चल रहा था। सेंटीसिमल पोटेंसी बोलते हैं या फिर डेसिमल पोटेंसी जो एक्स में आता है, 6X, 3X, 12X, ये सब 30X पोटेंसी में आता है, उसको डेसिमल पोटेंसी बोलते हैं। जब ये डेसिमल और सेंटीसिमल पोटेंसी था ऑलरेडी अवेलेबल, तो क्यों 50 मिलीसिमल पोटेंसी स्टार्ट किया उन्होंने? अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th edition में उन्होंने ऐड किया है ये 50 मिलीसिमल पोटेंसी को। क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी उनको, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। और क्योंकि जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं किसी को 50 मिलीसिमल पोटेंसी का, वो 0/1, 0/2, 0/30 तक आता है। तो क्रॉनिक केस, बहुत क्रॉनिक केस ज़्यादा, जिनका वाइटल फोर्स बहुत ही कमज़ोर होता है या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत वो सेंटीसिमल पोटेंसी में या तो एक्शन बिल्कुल नहीं करता या तो हाइपर एक्शन करता है। तो उन जैसे लोगों के लिए ये 50 मिलीसिमल पोटेंसी ज़्यादा बहुत कारगर साबित होता है। और ये पोटेंसी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th edition में उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे उसको यूज़ किया जाए। तो मैं आज आपको वो 4 इम्पोर्टेंट जो कॉजेटिव फैक्टर है जिसके कारण डॉक्टर हैनीमैन ने इसको निर्देशित किया है कि आप सेंटीसिमल जो पोटेंसी है 30, 200, 1M, 10M ये जो पोटेंसी है उसको ना देकर मिलीसिमल पोटेंसी यूज़ कीजिए। ये 4 कारण है। सबसे पहला जो कारण है, सेंटीसिमल पोटेंसी बहुत ही देर से एक्शन करता है। मतलब आप 200 का किसी को एक डोज दो या फिर 1M का किसी एक डोज दो तो आपको वेट करना पड़ता है, चाहे 15 दिन हो, 1 महीना हो, वेट करना पड़ेगा। उन्होंने जैसे कि अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 5th edition में कहा है कि एक सिंगल डोज देकर, एक ही बार देकर आपको वेट करना होता है एटलीस्ट 10 to 15 days। और इस के बीच जो वेट करने के बीच अगर उसको कोई कंडीशन बिगड़ जाता है तो वो पेशेंट मुश्किल में पड़ जाता है। हम क्या करें क्या ना करें उसका सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये ड्यूरेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने ये जो स्लो एक्शन आता है उसको काटने के लिए उन्होंने 50 मिलीसिमल पोटेंसी का जिक्र किया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो फास्ट काम करता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी है इसका रिपीटेशन आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि आप सेंटीसिमल पोटेंसी में रिपीटेशन ज़्यादा नहीं कर सकते। ये ज़्यादा बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो एग्रेवेशन होने का चांसेस रहता है, जो कि सेंटीसिमल पोटेंसी में। मान लो आपको 200 या 1M हो, बार बार आपने रिपीट कर दिया कंडीशन एक्यूट होने के बाद, तो एग्रेवेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिसका कई बार हमने जिक्र किया है अपने बहुत सारे वीडियोस में। और ये कर रहे हैं लोग, केस स्पॉइल हो रहा है फिर भी वो रिपीट कर रहे हैं 200 या 1M में, जबकि आपको वेट करना है। ये आपको 50 मिलीसिमल पोटेंसी में रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/1, 0/2 उसका जो सक्सेसिव पोटेंसी है वहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं। ये जो था तीसरा और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चौथा वाला है वो है रेंज डिफरेंस बिटवीन पोटेंसीज। रेंज डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपने देखा कि 30 पोटेंसी हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 200 आता है, इसके बीच कोई दूसरा पोटेंसी नहीं है, फिर 200 के बाद डायरेक्ट 1000 जो कि 1M बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही मतलब रिस्की रहता है। अगर किसी को आपने 30 दिया काम नहीं किया तो उसके बाद 200 डायरेक्टली आपको हायर पोटेंसी में देना पड़ सकता है, 200 के बाद फिर 1M आएगा, तो उसके बीच जो गैप वाला जो पोटेंसी है वो बहुत ही मुश्किल क्रिएट करता है। अगर किसी को 200 में एक्शन नहीं आया तो डायरेक्टली आपको 1M देना पड़ेगा, और हो सकता है उसके जो हाइपर एक्टिविटी के नेचर के हिसाब से 1M उसका एग्रावेशन करे। तो ये जो रिस्की फैक्टर रहता है उसके लिए उन्होंने 50 मिलीसिमल पोटेंसी का उद्भव किया है, जिसमें 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे सिक्वेंस में आता है, उसमें कोई जंपिंग पोटेंसी नहीं है, जो कि 200 या 1M के बीच डायरेक्ट जंप करके पोटेंसी आता है, वहाँ 50 मिलीसिमल पोटेंसी में जो LM पोटेंसी में वो नहीं होता, सक्सेसिव पोटेंसी होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो कॉजेटिव फैक्टर है। सबसे पहला है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला है स्लो एक्शन ऑफ सेंटीसिमल पोटेंसी जो कि बहुत स्लोली एक्शन करता है, दूसरा है मेडिसिनल एग्रावेशन होता है इसमें, तीसरा है लेट क्यूरेबिलिटी जो कि देर से एक्शन करता है और आपको वेट करना पड़ सकता है, चौथा है रेंज डिफरेंस जो जंपिंग पोटेंसी का रेंज डिफरेंस होता है। ये 4 इम्पॉर्टेंट रिस्की फैक्टर होने के कारण उन्होंने सेंटीसिमल के बदले 50 मिलीसिमल पोटेंसी यूज़ करने को कहा है अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th edition में। तो आप लोग भी इसको याद रखिए, जब भी मोस्ट क्रॉनिक केसेस हो, बहुत ही क्रॉनिक केसेस, पुराने वाले रोग जहाँ पर एग्रेवेशन उनका खतरा रहता है और आप उसको रिपीट करना चाहते हैं एक्यूट कंडीशन में, तो वहाँ पर आप 50 मिलीसिमल पोटेंसी यूज़ कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको रिपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ता है और एक स्पेसिफिक मेडिसिन एक बार में यूज़ कर सकते हैं। 2-3-4 मेडिसिन आप सेंटीसिमल पोटेंसी की तरह यूज़ नहीं कर सकते, एक सिलेक्टिव मेडिसिन लेकर फिर उसका 0/1, 0/2 ऐसे करके सिक्वेंसली आप दे सकते हैं, मोस्टली सिमिलर जो हो। तो वहाँ पर केस टेकिंग रिपोर्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही दवाई का सिलेक्शन करें और उसके बाद जो मोस्टली सिमिलर है, आपके सारे सिम्टम दवाई के सारे सिम्टम जो मैक्सिमम मैच करे, दैट इज कॉल्ड सेमिनिमम, वो सेमिनिमम रेमेडी
उसको आप मिलीसिमल पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 0/1 से शुरू होकर 4-5 तक आप दे सकते हैं, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है, फिर आगे सोचना पड़ेगा। या तो दवाई गलत है तो वो बिल्कुल एक्शन नहीं करेगा, नहीं तो दवाई पार्शियल सिमिलर है तो थोड़ा एक्शन करेगा, फिर आपको दवाई में थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अगर बिल्कुल काम नहीं किया दवाई परिवर्तन होगा, काम किया तो उसको सक्सेसिवली आप बढ़ाते जाइए, 0/3, 0/4, 0/5 ऐसे आपको बढ़ाते रहना है। तो ये इसका भी जिक्र मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है, अपने जो LM पोटेंसी या 50 मिलीसिमल पोटेंसी वाला जो वीडियो है आप देख सकते हैं, मैं उसको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, उसके वीडियोस अवेलेबल है, मैं आपको दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप लोग अच्छी तरह देखिए, आपको ज़रूर काम में आएगा। तो आज के लिए बस इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।